नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन उससे पहले 25 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। हलचल के बाद शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन, अशोक गहलोत और दिग्विजय बने प्रस्तावक। पीएम मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का किया उद्घाटन, नई वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाई हरी झंडी, जनसभा में बोले आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा दिन। गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा अब राघव चड्ढा होंगे गिरफ्तार, किस केस में करेंगे और क्या आरोप होंगे यह अभी लोग बना रहे हैं। पीएफआई पर बैन के बाद बवाल का डर के चलते देश के कई राज्यों में रहा अलर्ट, अलर्ट पर रही सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस ने कड़े किए इंतजाम। त्योहारी सीजन में महंगी हुई ईएमआई, आरबीआई ने लगातार चौथी बार 0.50% बढ़ाया रेपो रेट, 5 महीने में 1.90% की हो चुकी है बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर के शोपियां और बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों के घेरे में कई आतंकी, बारामूला में 2 आतंकी थे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर सीएम योगी का ट्वीट, लिखा 2023 में जीआईएस का होगा आयोजन, निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनकर उभर रहा है यूपी। नोएडा के सेक्टर 3 में कॉल सेंटर में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, 5 लोगों का किया गया रेस्क्यू, आसपास की फैक्ट्रियों को भी कराया गया खाली। गुजरात में वडोदरा पुलिस और गुजरात एटीएस ने एक मदरसे को किया सील, प्रतिबंधित संस्था पीएफआई के साथ संबंध की आशंका, मदरसे में रची जा रही थी कोई बड़ी साजिश। लाइनों में खड़े होने की झंझट अब होगी खत्म, सरकारी अस्पतालों में ऑनलाइन पंजीकरण की मिलेगी सुविधा, सीएम धामी ने ऑनलाइन सिस्टम बनाने के दिए निर्देश। प्रदेश में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार, देहरादून में 765 लोग डेंगू से संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही तैयारी, रोकथाम के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 दिन के रिमांड पर आरोपी, एसआईटी ने तैयार किए सवाल, तीनों आरोपियों से सख्ती से करेगी पूछताछ। नवरात्रि का 5वां दिन आज, मां स्कंद माता की करते हैं पूजा, माता के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। दिल्ली के गाजीपुर, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी और मयूर विहार क्षेत्र में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, डीसीपी ने दी जानकारी, त्योहारों के मद्देनजर मुस्तैदी के तौर पर पुलिस फोर्स पेट्रोलिंग कर रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 दिन के रिमांड पर आरोपी, एसआईटी ने तैयार किए सवाल, तीनों आरोपियों से सख्ती से करेगी पूछताछ। अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 दिन के रिमांड पर आरोपी, एसआईटी ने तैयार किए सवाल, तीनों आरोपियों से सख्ती से करेगी पूछताछ। नवरात्रि का 5वां दिन आज, मां स्कंद माता की करते हैं पूजा, माता के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की जाती है पूजा। दिल्ली के गाजीपुर, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी और मयूर विहार क्षेत्र में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, डीसीपी ने दी जानकारी, गाजियाबाद में पुलिस चौकी पर युवक ने बनाई रील्स,
हापुड़ में अज्ञात कारणों की वजह से मकान में लगी आग, घर में सो रहे लोगों ने भागकर बचाई जान। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका।